तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को अगर बेसिकली करोगे तो इस वाले क्वेश्चन में अगर तुम देखो कि एक बॉल है जिसका मास एम है वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, तो हियर इज ए बॉल विच इज थ्रोन एट सम हाइट, वर्टिकली अपवर्ड इसको फेंका गया है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो गया और ये हाइट एच वन अटेंड किया है और ये कितनी देर तक हवा में रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट इसका टी वन है, मतलब जाने और आने में जो टाइम लगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट टी वन है, समझ में आया। तो एम इज थ्रोन वर्टिकल, अनदर बॉल टू एम थ्रोन एट एंगल थीटा डिग्री विद वर्टिकल, दूसरे बॉल को यहाँ पर थीटा डिग्री फेंका गया है, ये बॉल ए है, बॉल फर्स्ट है, तो बॉल जो सेकेंड है वो अगर बॉल को मैं यहाँ से ऐसे फेंकता हूँ, तो यहाँ पर ऐसे फेंकता हूँ तो ये बॉल ऐसे जाता है, तो अगर ये बॉल ऐसे जाता है तो इसको थीटा डिग्री पे फेंका गया और ये जो हाइट अटेंड करता है वो एच टू है और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट टी टू है जो कि थीटा डिग्री पर प्रोजेक्ट हुआ है, तो ये मान लो ऊपर फेंका गया था यू वन से तो ये फेंका गया है यू टू से, तो ये कहता है बोथ रिमेंस सेम इन टाइम पीरियड, मतलब दोनों का टाइम पीरियड टी वन और टी टू आपस में इक्वल है, तो हाइट अटेंड एच वन अपॉन एच टू की वैल्यू हमें निकालना है, इसकी रेशियो में निकालना है। तो हाइट अटेंड सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, तो फर्स्ट बॉल जो फेंका गया, जो स्ट्रेट लाइन फेंका गया है फर्स्ट बॉल, तो फर्स्ट बॉल के लिए अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो फर्स्ट बॉल के लिए अगर तुम देखोगे तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अगर टू ए एस लगाते हो तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल यू एन स्क्वायर और टू और जी एच वन, तो पहले की जो हाइट एच वन आ जाएगी वो माइनस यू एन स्क्वायर अपॉन टू जी, नीचे की डायरेक्शन निगेटिव ले लिया हूँ तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, और अगर मैं बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट निकले तो फाइनल वेलोसिटी जीरो यू एन माइनस जी टी, तो ये तो जाने में टाइम लगा तो यू एन अपन जी जाने में टाइम लगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम ऑफ असेंडिंग असेंडिंग, तो टी वन की वैल्यू टू टाइम्स टी आ जाएगी, मतलब टू टाइम्स यू एन अपन जी, दिस इज द इक्वेशन नंबर टू, तो ये हमें टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया ये वाली चीज़, और ये मैक्सिमम हाइट आ गया फर्स्ट बॉल की, दिस इज द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट बॉल। लेट अस कैलकुलेट द स्टोरी ऑफ द सेकेंड बॉल, तो फॉर सेकेंड बॉल, अगर सेकेंड बॉल का अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो सेकेंड बॉल के केस में तुम देखोगे तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला मुझे पहले से याद है, यू टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर टू जी, ये तो मुझे पहले से याद है, दिस इज द हाइट, लेकिन इसमें थीटा एक अननोन वेरिएबल है, उसके लिए मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का इक्वल है, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, तो 2u sin थीटा ओवर g होता है, तो जब मैं यहाँ लगाऊंगा तो 2u2 sin थीटा ओवर g, और ये बराबर होगा t1 के, तो t1 की वैल्यू कितना है, तो t1 की वैल्यू है 2u1 अपन g है, तो यहाँ से मुझे sin थीटा की वैल्यू निकल जाएगी यार, तो ये g ने g को काट दिया, 2 ने 2 को यहाँ से काट दिया, तो यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी उसकी वैल्यू आ जाएगी यू वन अपन यू टू, दिस इज द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ गई, ये साइन थीटा इस वाले इक्वेशन में रख दोगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दो जो कि मैक्सिमम हाइट वाला फार्मूला है, तो यहाँ से एच टू की वैल्यू आ जाएगी यू टू स्क्वायर अपन टू जी की, और साइन स्क्वायर मतलब यू एन स्क्वायर ओवर यू टू का होल स्क्वायर, तो ये कट गया, मतलब एच टू की वैल्यू भी एच वन के बराबर ही आ गई, मतलब टू जी इक्वल टू एच वन, मतलब एच वन अपन एच टू की जो रेशियो आ जाएगी वो 1:1 आ जाएगी, दिस इज द फाइनल सोलूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट इज सी ऑप्शन इसमें से सही हो जाता है।